एक यूज्ड कार लेने से पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेक कर सकते हैं। ओडोमीटर टैम्परिंग एक यूज्ड कार में सबसे बड़ा इशू होता है। ए बी सी पेडल एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, इसमें क्या चेक करते हैं? दूसरी चीज़, किसी भी सेकेंड हैंड कार को लेने से पहले यूजुअली हम लोग ठगे कहाँ जाते हैं? एक्सीडेंटल व्हीकल हो गया, चोरी की गाड़ी मिल गई, ठीक है जी। तो उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए पहली चीज़ हम यहाँ नट बोल्ट्स पे चाबी पाने के निशान चेक करेंगे, कहीं लगे तो नहीं हुए। अब जैसे ये आपका शॉकर पे निशान है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब आपका बोनट कभी नहीं खुला है। ओह, उसके अलावा दूसरी चीज पे आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड पिलर्स। ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये पॉइंट मिस आउट कर गए तो आप बहुत बड़ा घाटा खा सकते हैं। क्या है, लेट है, थोड़ा ज़्यादा लेट है। मतलब ऐसे तो मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ, लेकिन सैटरडे का दिन भाई इतना लेज़ी होता है कि अपन थोड़ा सा लेट हो गए, बट ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो जल्दी कवर अप कर लेंगे। चलो सो जी, बहुत टाइम से प्लान था कि मैं एक वीडियो शूट करूँगा जहाँ पे आई विल बी यू नो सीकिंग हेल्प फ्रॉम ए प्रोफेशनल जो कि सेकेंड हैंड कार मार्केट में प्रोफेशनल है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है गाड़ी सेकेंड हैंड चेक करने के लिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं। और मेरा प्लान सिर्फ इसलिए वजह से कैंसिल हुआ बिकॉज जो गाड़ी मुझे मिल रही थी वो बताया कुछ और जा रहा था और गाड़ी में एक्चुअली कुछ और था। अब वो एक नॉर्मल इंसान को चेक करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो मैं नमित भैया के पास जा रहा हूँ, और नमित भैया वही हैं जिनको आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा मेरा जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन कराई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताए थे। तो आज हम उनसे बात करेंगे डिटेल्ड में। उनसे टाइम मांगा मैंने, 4 बजे का टाइम था और मैं ऑलरेडी 4:10 हो चुके हैं। जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर उनसे बातें करते हैं। बढ़िया, तो कहाँ चले अपन? जहाँ आपको सूटेबल लगे। मुझे तो कहीं भी सूटेबल है, कहीं भी चल सकते हैं। मतलब कहीं छाव में, इधर पीछे चले क्या, पीछे वाले गली में? काम करो, make a U-turn, we'll go to that road where we took the... Yeah, I got it, वहाँ चलते हैं। चलो, तो अभी नमित भैया को पिक कर लिया है, बहुत टाइम निकालना पड़ा भैया को हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच भैया, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो मैं अभी जस्ट बता रहा था कि बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, तो आपसे हम अभी टिप्स लेंगे कि एग्जैक्टली आप चेक करते क्या हो, मतलब अगर किसी को भी लेनी है तो उनको क्या चेक करनी चाहिए। मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा कि उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था। आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड द व्लॉग और नॉट, बट यहाँ से जाने के बाद ना मैं विकासपुरी गया था और बहुत सही चीज़ हुआ था। सो फाइनली हमें एक जगह मिल गई है और इस जगह पे अपन वो जो शूट करना है वो करेंगे, एंड यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो इसीलिए खोज के एक सर्विस लेन निकाला हमने जहाँ थोड़ी धूप कम आए और हम गाड़ी के बाहर शूट भी करें। तो चलो भैया चले। चलिए नमित भैया, सबसे पहले तो थैंक यू, मतलब सीरियसली हम एक बार ही मिले थे लेकिन वो गाड़ी गाड़ी वाला कनेक्ट बन गया अपना। एंड फिर बेसिकली मेरा क्या मानना है, यू डोंट मीट पीपल एक्सीडेंटली, इट इज ऑलवेज रिटन, सो ईदर इट्स अ लेसन और अ ब्लेसिंग, सो आई हैव गॉट अ ब्लेसिंग नेम्ड विकास। सीरियसली थैंक यू सो मच भैया। तो अभी ना अभी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ क्योंकि आप इस सेकेंड हैंड कार मार्केट, मतलब कार इंस्पेक्शन आपको पूरा नॉलेज है। हम लोग एक यूज कार लेने से पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियसली कुछ कार्स यूज़ कर रहे थे या लेट्स से सपोज अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर को लेके जाना पड़े या किसी लोकल मैकेनिक को हायर करना पड़े। देर आर सेवरल थिंग्स जो कि आप अपने बेसिस पे भी, एक ले मैन के लिए, एक कॉमन मैन के तौर पे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो एक यूज्ड कार लेने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरु जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कार में अगर आपने ओडोमीटर टैम्परिंग, एक यूज्ड कार में सबसे बड़ा इशू होता है। मैं हूँ, चलिए हम लोग तो इस लाइन से हैं, बट अगर मैं बात करूँ विकास भाई जैसे किसी एक नॉर्मल आदमी की
जिन्होंने सिर्फ अपना कार ड्राइव किया, उनका ट्रेड नहीं है कार लेना बेचना और वैसी चीज़ें। सबसे पहले आप कार के डोर ट्रिम से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वेयर एंड टेयर के साइंस होंगे। क्या साइंस रहते हैं? साइंस ऐसे रहते हैं, अब आपकी कार इतनी साफ है मैं इसमें वेयर एंड टेयर दिखा नहीं सकता, सबसे बड़ा पंगा ये। अच्छा। इसीलिए मैं बोल रहा था दूसरी कार लेके आते। अच्छा। तो यहाँ पे स्पॉट्स रहेंगे कोहनी के निशान, बिकॉज हम लोग इंडियन ड्राइविंग स्टाइल कैसा है दैट वी डिपेंड ऑन आर इंटीरियर्स। यूरोपियंस और जर्मन्स कार चलाते हैं दोनों हाथ से स्टेयरिंग व्हील पकड़ के, अमेरिकन्स कार चलाते हैं एक हाथ से स्टेयरिंग व्हील पकड़ के, यूजुअली फ्रॉम देयर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड वुड बी ऑन द ट्रांसमिशन। और जो इंडियन ड्राइव ट्रेन है दैट इज कि हमारा एक हाथ डोर ट्रिम पे रहता है और दूसरा हाथ स्टेयरिंग व्हील पे रहता है। तो आपको यहाँ और यहाँ ये दो एरियाज हैं जहाँ वेयर एंड टेयर मिलेगा, पावर विंडो के बटन्स आपको वॉर्न आउट मिलेंगे, यहाँ पे फेडिंग होगा। एक मिनट ना, ये गाड़ी चल रही है, ये तो लग रहा है टेक ऑफ कर जाएगा। तो हाँ जी, ये पावर विंडो के बटन्स फेडेड होंगे। ओके, ये सारी चीजें फेडेड होंगी। बिल्कुल, आपका डोर हैंडल फेडेड होगा। उसके अलावा सीट कवर्स, सीट कवर्स यूजुअली अगर आप किसी डीलर से कार ले रहे हो तो वो रिप्लेस करवा देता है, आप सीट को नहीं जज कर सकते अगर उसका सीट कवर रिप्लेस्ड है तो। उसके अलावा ABC पेडल, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, इसमें क्या चेक करते हैं? So guys, before we proceed further in this video, let me inform you about Budmo.com. So Budmo.com is the biggest spare part expert in India. इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ी का स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक छोटी शहर में रहते हैं और वहाँ पे हमें जो पार्ट्स चाहिए अपनी गाड़ी के लिए वो सर्विस सेंटर या लोकल शॉप पे अवेलेबल नहीं रहता है। प्लस अगर लोकल शॉप पे भी अवेलेबल है तो पार्ट्स कितना जेन्युइन है, किस कंपनी का है, वो पता नहीं चल पाता है। तो उस केस में मैं Budmo.com पे जाके वो पार्ट ऑर्डर कर सकता हूँ। हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक मेक के लिए वहाँ पे मुझे पार्ट्स अवेलेबल रहेगा। कितने दिन में वो पार्ट मेरे घर पे डिलीवर होगा, वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे पता चल सकती हैं। यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट चाहिए तो डिफरेंट ऑप्शन मिलने से मुझे प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो आई कैन सेलेक्ट द प्राइसिंग, आई कैन सेलेक्ट द पार्ट एंड आई कैन ऑर्डर द पार्ट। सो सेकंड चीज कि अगर वो पार्ट मंगाया और मुझे समझ में नहीं आया तो 10 डेज ऑफ एश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी है इनकी, 10 दिन में वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूं। सो यार, Budmo.com एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, गो चेक इट आउट। मैं Budmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। इसमें अगर ये वेयर आउट होगा तो यहाँ से पेडल घिसा होगा या यहाँ से रबड़ घिसा होगा, वो बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं। आपकी कार जेन्युइन 72,000 चली हुई है तो यहाँ पे कहीं भी वेयर एंड टेयर का साइन नहीं है। अच्छा, ये वर्न आउट हो जाता है? बिल्कुल, ये सारा वर्न आउट हो जाता है। ओके, तो कितने तक में, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,00,000 से ज़्यादा में वर्न आउट होता है क्या? कब वर्न आउट स्टार्ट होता है? एक्चुअली ये हर मैन्युफैक्चरर, हर ड्राइविंग स्टाइल का डिफरेंट थिंग होती हैं। लेट्स से सपोज अगर आपकी जगह कोई हैवी आदमी होता, 6'2" का, 110 किलो का आदमी होगा तो उसका सिटिंग पैटर्न अलग होगा। ये आपके सिटिंग पैटर्न पर डिपेंड करता है, बट 40,000 से 50,000 किलोमीटर तक देयर वुड बी नो वेयर एंड टेयर साइन, जीरो, एकदम जीरो। बिल्कुल, उसके बाद ही वेयर एंड टेयर साइंस नज़र आने शुरू होते हैं। वो इतना मिनिमल वेयर एंड टेयर होगा 40,000 से 50,000 किलोमीटर के लिए कि उसके लिए आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ेगा, तो अच्छा। वो हम नहीं जज कर सकते, वो लेमैन्स टर्म में हम जो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए दूसरी चीज, किसी भी सेकेंड हैंड कार को लेने से पहले यूजुअली हम लोग ठगे कहाँ जाते हैं? एक्सीडेंटल व्हीकल हो गया, चोरी की गाड़ी मिल गई, ठीक है जी। तो उन चीजों को वेरीफाई करने के लिए एक विन प्लेट दिया होता है। Okay, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन हर गाड़ी में और हर व्हीकल में अलग अलग होती है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप जिसके पास गाड़ी लेने गए हैं उसको बोलिए मुझे विन प्लेट देखना है, चेसी नंबर, जहाँ एम्बोजमेंट है वो दोनों चीज़ वेरीफाई करना है। इसके बाद हम चेसी नंबर एम्बोजमेंट पे बढ़ेंगे। विन प्लेट से ये जो रिवेट्स हैं इससे आपको वेरीफाई हो सकता है कि ये ओरिजिनल है या दोबारा लगा हुआ। ओके, अगर ये दोबारा लगा होगा तो ये रिवेट्स जो हैं ये वाले ये अपनी लोकेशन पे नहीं होंगे, यहाँ थोड़े से ऊपर नीचे होंगे। ओके ओके, क्योंकि वो पंच किए गए वापस से। बिल्कुल, अगर तो गाड़ी एक्सीडेंटल है, साइड का पार्ट चेंज है तो नहीं, गाड़ी कहीं से भी एक्सीडेंटल हो, यूजुअली क्या होता है कि चोरी की कार आई, चेसी नंबर बदल दिया और इसके ऊपर लगा दिया, कार किसी और को बेच दी। ये केसेस भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, छोटे शहरों में ऐसे होते हैं। ओह
ओह, ये तो हमें पता ही नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा। सो ये आ गया चेसी नंबर एम्बॉसमेंट। अच्छा, ये महिंद्रा की गाड़ियों में इधर रहता है, क्योंकि फोर्ड में ना वहां पे था। महिंद्रा में सिर्फ XUV 500 में यहाँ आता है। अच्छा, TUV 300 में इट इज ऑन डिफरेंट लोकेशन, XUV 300 में इट इज ऑन डिफरेंट लोकेशन। अच्छा, मतलब हर गाड़ी में अलग अलग जगह। बिल्कुल, हर मॉडल में अलग अलग आता है। अगर आपकी कार मोनोकॉक चेसी है, विच इज कॉल्ड यूनिबॉडी चेसी, अगर वो यूनिबॉडी चेसी है तो यूनिबॉडी चेसी में इट वुड बी ऑन द बॉडी। ओके, अगर वो लैडर फ्रेम चेसी है, जैसे मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं, एंडेवर की बात करूं, या स्कॉर्पियो की बात करूं, तो उनमें नीचे चेसी में आएगी लैडर फ्रेम पे। ओके ओके ओके। सबसे गंदी लोकेशन ओल्ड मॉडल टाटा सफारी के चेसी नंबर की लोकेशन में है, बिकॉज उसके लिए आपको गाड़ी के नीचे क्रॉल करके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके अलावा तीसरी चीज पे आ जाते हैं, जो कि हम बहुत ही तरीके से, सलीके से कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, विच इज द रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ओके, पहली चीज हम यहाँ नट बोल्ट्स पे चाबी पाने के निशान चेक करेंगे, कहीं लगे तो नहीं हुए। अब जैसे ये आपका शॉकर पे निशान है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे नहीं है। हाँ। इसका मतलब आपका बोनट कभी नहीं खुला है। ओ ठीक है। ओ वाओ। सेकेंडरी चीज इज द सीलेंट। इफ The sealant is not getting pinched, then it is okay. If it is getting pinched, अगर sealant दब रहा है और उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही, आपके नाखून का सिर्फ निशान आ रहा है, तो sealant okay है। आप नाखून से उसे खरोच रहे हैं तो वो खुरचा नहीं जा रहा, तो sealant okay है। अगर ये sealant दोबारा बनाया हुआ होगा, इसके अंदर से आवाज़ आएगी, जैसे हम छोटे वाले बबल रोल दबाते हैं ना, वैसे छोटे छोटे पटाखे की आवाज़ आएगी और वो नाखून से खुरचने पे खुरच जाएगा। ओके, ये सीलेंट है ये। यस, दिस इज द सीलेंट। ओके ओके ओके। उसके अलावा इंजन कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। अगर किसी कार को मान लीजिए डिवाइडर हिट कर गया, अंडरबॉडी हिट है, उसके लिए आप यहाँ से अपने टाइमिंग सेक्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरफ कार का बेल्ट लगा होता है, कि वो कार वहां से रिपेयर है या नहीं। ये होता है आपका टाइमिंग प्लेट। ओके, ये किसी कार में यहाँ हो सकता है इसका लोकेशन, किसी कार में सामने हो सकता है जिसमें पैरेलल इंजन होगा, या किसी कार में लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, अलग अलग साइड पे हो सकता है। बिल्कुल, बट वेरीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। फिर से हम वहीं आएंगे चाबी पाने के निशानों पे। ओके ओके, साइंस ऑफ वर्क। उसके अलावा दूसरी चीज आती है सीलेंट। अच्छा, यहाँ भी सीलेंट होता है। बिल्कुल, दिस इज द लिक्विड गैस्केट मेकर सीलेंट। तो ये चेंज होता है तो सेम नहीं रहता, ये अलग रहता है? नहीं, जो प्लांट से सीलेंट आएगा इट इज ऑफ डिफरेंट कलर, और जो सीलेंट डीलरशिप पे भी, लेट्स से सपोज कोई कहता है मैंने कंपनी से रिपेयर कराया, तो भी वो सिमिलर नहीं होगा। उसका रीजन ये होता है कि कोई भी OEM कंपनी डिफरेंशिएट करने के लिए कि डीलर ने मेरे वारंटी वाले पार्ट में कोई चेंजेस तो नहीं कर लिए, कभी भी अपने प्लांट का जो कलर होगा, कलर कोड होगा, वो रोल आउट नहीं करती है बाहर। ओह, और ये कलर कोड हमें पता कैसे चलेगा? कलर कोड यूजुअली जो प्लांट से आता है, वो सीलेंट आता है ब्लैक कलर का। ओके, बाकी बाहर जो मिलते हैं, अगर मैं बाहर की बात करूं जैसे रोड साइड मैकेनिक्स की, वहां तो रेड भी आता है, ग्रे भी आता है, डार्क ग्रे भी आता है, और अगर मैं OEM की बात करूं, सर्विस सेंटर्स की, तो सर्विस सेंटर्स पे इट इज ऑफ शाइनी ब्लैक कलर, डल ब्लैक नहीं, मैट ब्लैक नहीं आता। ओके, शाइनी ब्लैक कलर आएगा या ग्रे कलर आएगा। मैं आपको ना एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं जब ये गाड़ी ले रहा था, तभी मैं सेकेंड हैंड देख रहा था, बिकॉज हर दो साल पे मैं गाड़ी चेंज करता हूँ। तो मेरे एक जान पहचान के जो मैकेनिक है, उनको मैं साथ लेके गया था। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, इंजन मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने इंजन बे खोलते के साथ ही बोला कि गाड़ी का इंजन में काम हुआ। उनको ना ऑयल दिखा वहाँ पे, जो मुझे नहीं दिखा। तो ऑयल क्या है कि ये तो इंजन खुला हुआ है इसका, इसमें तो ऑयल लीक है, तो वो मुझे नहीं पता चला। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है विकास भाई, आप बीइंग अ लेमैन 100 चीज़ें कॉस्मेटिकली वेरीफाई कर सकते हो। एक लेमैन को चीज़ें समझ ना आए, यही काम होता है डीलर का, गलत डीलर का। मैं यहाँ हर डीलर को पिन आउट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ देर आर हंड्रेड्स ऑफ डीलर्स जो आज भी काम अच्छा करते हैं,
जो आज भी लोगों से गलत काम नहीं करते, बट ये है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक डीलर की वजह से पूरी की पूरी डीलर कम्युनिटी बर्बाद। हाँ, नाम उनका बिल्कुल। सो सेकेंडरी वुड बी एप्रॉन सीलेंट, इसको चेक करने का भी सिमिलर प्रोसेस रहेगा। आप इसे नाखून से पिंच करके देख सकते हैं, इट वुड बी हार्ड। ये देखिए, ये आपके नाखून के दाग। हाँ बिल्कुल। तीसरी चीज अंडर बॉडी रिपेयर, अगर यहाँ से रिपेयर होगा। ओके, मतलब ये अगर पार्ट हिट है, ये पार्ट नहीं, अंदर वाला पार्ट। अच्छा, अंदर वाला पार्ट। ओके, ये दिस इज ऑफ प्लास्टिक, अगर ये मेटल भी होगा तो इससे, अगर ये रिपेयर भी होगा तो इससे कोई एज सच बड़ी दिक्कत नहीं है। भी गाड़ियों में छोटा मोटा डेंट आता ही है, डेंट स्क्रैच आ जाता है। बिल्कुल, तो कोई भी बॉडी पैनल अगर आपका रीपेंट है, सिर्फ रीपेंट है, मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, रिप्लेस नहीं है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप वो कार आराम से ले सकते हैं। ओके, रीपेंट में ले सकते हैं, रीपेंट में ले सकते हैं। और पता कैसे चलेगा कि पेंट है या फिर चेंज है पार्ट? उसी अच्छा उस चीज पे आ रहा हूँ। अगर ये पैनल रिप्लेस्ड होगा, चेंज किया हुआ होगा, तो यहाँ पे भी बोल्ट के ऊपर खुलने के निशान होंगे। ओके, जो यहाँ पे नहीं है अभी। हाँ, जैसा यहाँ पे ये क्यों खुला मुझे पता नहीं है। आपने कभी लुब्रिकेशन करवाया होगा सस्पेंशन का, या शॉकर माउंट रिप्लेस करवाए होंगे, या कोई आवाज आ रही होगी गाड़ी में। अच्छा, उसको क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने रीटॉर्किंग किया होगा कि कोई नट बोल्ट लूज ना रहे। सस्पेंशन से लेफ्ट साइड पुलिंग किया, ये था लेफ्ट साइड पुलिंग था ना। हाँ, तो वो कैम्बर और कैस्टर मिलाने के लिए, कैम्बर आउट था इसका, तो कैम्बर मिलाने के लिए उसने शॉकर ओपन किया होगा। ओके, तो यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे नट पे आप देखो यहाँ पे ना दाग है, जो ना वो भैया बता रहे हैं, नमित भैया, कि वो खुला है, मतलब इस पे कुछ काम हुआ है, तो वो आपको एक देखना है। उसके अलावा अगर कोई दरवाज़ा या फिर कोई और चीज़ रिप्लेस्ड है, तो वो हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। अगेन सीलेंट, अगर सीलेंट, हाँ, अगर ये रिपेयर होगा, हाँ रिपेयर। दूसरी चीज़ क्रॉस वेरिफिकेशन की है, ये बोल्ट्स, अगेन यहाँ पे सिमिलर, ये वाले बोल्ट्स जो लगे हुए हैं, मतलब अगर ये खुले हैं तो मतलब दरवाज़ा चेंज है। बिल्कुल, आप उठा लो फ़ोन, कोई नहीं। हाँ, हम लोग उसके बाद सेकेंडरी चीज क्या आती है, हम लोग जिस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं। हाँ, हमारे पास नीम हकीम, फिर से हाँ, वही वर्ड आ जाएगा। हाँ, नीम हकीम बहुत सारे आ जाते हैं कि जी इस कार में ये रीपेंट है, 2021 मॉडल गाड़ी है। हाँ, मत लेना, इतनी जल्दी रीपेंट कैसा होगा। सर, देर आर सेवरल इंस्टेंसेस, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ कार शोरूम से ही रीपेंटेड मिला है। शोरूम से ही रीपेंटेड? हाँ, उसका रीजन बता देता हूँ। कार, लेट्स से सपोज मैं एक बायर हूँ। हाँ, और मैं शोरूम पे कार लेने गया हूँ। ठीक है, शोरूम वाले ने बिलिंग कर दिया। हाँ, बिलिंग के बाद कार पे एक स्क्रैच आ गया। Okay, उसको पता है कस्टमर इसे पिन आउट करके मेरी कार छोड़ जाएगा। लेट्स से सपोज आप खाने का काम करते हैं, आपने ऑर्डर पैक कर दिया। हाँ, उसके बाद खाने में ग्रेवी कम हो गई। हाँ, आपके डब्बे का ढक्कन खुला रह गया पैकिंग। हाँ, में ग्रेवी कम हो गई, गिर गई। आप नया पैक नहीं करोगे, उसमें दो कड़छी ग्रेवी डाल दोगे। करेक्ट, करेक्ट। तो correct, रूल correct. यही कहता है, डीलर उस पैनल को उतना पोर्शन हाँ, रीटच करेगा, पेंट नहीं करेगा, रीटच करेगा। हाँ, कि सिर्फ उतना ही पोर्शन करे और वो दे दे। तो ये नई गाड़ियों में भी हो सकता है? हो सकता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, पीडीआई जिसको कहते हैं, पीडीआई के बाद होता है यूजुअली। ओके, क्योंकि अगर पीडीआई से पहले होता है तो वो बिल नहीं होती। बिल नहीं होती, उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, उसके लिए हमें बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पोस्ट PDI, अगर शोरूम पे कोई स्क्रैच लग गया, वो उसे रीटच करेगा, और ये डीलर का धर्म है। अच्छा, वो बिल की हुई गाड़ी अपने पल्ले नहीं डाल सकता। मैं हूँ, आप हो, 7 लाख रुपए की गाड़ी। हाँ, अगर महीने में 2 भी आ गई, 14 लाख रुपए उसे बचत नहीं हो रही होगी, जितनी उसके पल्ले पड़ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग 100 लोगों से सलाह लेते हैं। कोई मेरी बुआ का बेटा होगा। हाँ, कोई मेरा दूर का दोस्त होगा। हाँ, तो वो आके बोल देगा, अरे यार ये 21 मॉडल है, रीपेंटेड है। कस्टमर को भी नहीं पता होता कि रीपेंटेड है। तो मेरे 10 साल के करियर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं कि कस्टमर को हमने बताया कि सर ये पैनल रीपेंटेड है। ही सेड कि यार 21 मॉडल गाड़ी है, कैसे रीपेंट हो सकता है। फिर उसे वेरीफाई कराया, सर ये देखो। अच्छा, फिर उसे समझाया कि सर जरूरी नहीं है कि आपने कराया,
डीलर भी कई बार दे देता है, तो ही सेड कि मैं तो कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा, डीलर ने मुझे कहा उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, वो छोटा सा एक पीस है, एक ह्यूमन बीइंग के नाते उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ आपकी चीज आपको स्क्रैचलेस दी है, उसने हमारी बेहतरी के लिए वो चीज किया, अदरवाइज वो वैसे भी डिलीवर कर सकता था. उसके अलावा दूसरी चीज पे आ जाते हैं विच इज कॉल्ड पिलर्स. ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये पॉइंट मिस आउट कर गए तो आप बहुत बड़ा घाटा खा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कार को खरीदने से पहले या ये पिलर्स चेक करने से पहले ये चेक कर लें कि उस पिलर के पीछे एयर बैग तो नहीं है. भैया उस साइड आए क्या? पहले ये चीज जरूर सुनिश्चित कर लेंगे इसके अंदर की तरफ एयर बैग ना हो. अगर एयर बैग है तो आपको बहुत ध्यान से खींचना पड़ेगा, अदरवाइज एयर बैग डिप्लॉय हो सकता है, गाड़ी आपके पल्ले पड़ सकती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें चेक कर लिया इसमें एयरबैग नहीं है, तो हम ये रबर को पकड़ेंगे, वी विल स्ट्रिप इट आउट. स्ट्रिप करने के बाद आप ये पंच मार्क्स देख रहे हैं, ये छोटे, हाँ ये ओरिजिनल पंच मार्क्स हैं जो रोबोटिक, हाँ जो रोबोटिक आर्म के थ्रू लगे हुए हैं प्लांट में. ओके, अगर ये रिपेयर होगा तो ये अनइवन होंगे, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, यहाँ वेल्डिंग मार्क्स होंगे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ. तीसरी चीज ये है कि अगर ये रिपेयर होगा या क्वार्टर पैनल चेंज होगा या पिलर बना हुआ होगा तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रीपेंट के निशान मिलेंगे. हाँ हाँ करेक्ट, अदरवाइज पिलर पेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता. Unless it's an accidental. Yes. तीसरी चीज जो कि सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से है एक कॉमन मैन के लिए, वो होता है इंजन चेक करना. हाँ हाँ हाँ, वो सबसे मुश्किल चीज़ है क्योंकि बॉडी आप चेक कर सकते हो, क्रॉस एग्जामिन भी करा सकते हो, इंजन ऐसी चीज़ है आप लेके निकले हो उसमें कुछ ऐसी जुगाड़ हुआ हुआ है कि उस टाइम पे आवाज़ नहीं आई, दो महीने तीन महीने बाद गाड़ी में कुछ मेजर काम आ गया. हाँ. उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आइए, अभी तो डीजल कार है, पेट्रोल कार का भी एक नमूना मैं आपको दे दूंगा. ठीक है, वो आज वो चीज़ आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, वीडियो में ऐड कर लूँ. बिल्कुल, चाबी लगी हुई है, अब बस ऑन करो. तो इंजन स्टार्ट करने के बाद इंजन को 5 से 10 मिनट आइडल पे रनिंग रहने दीजिए ताकि जो इंजन का टेम्परेचर है, कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर है, वो अपने आइडल कंडीशन पर पहुंच जाए, एक नॉर्मल जो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वहां तक आ जाए, क्योंकि ठंडे इंजन में भी 100 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ओवरहीटेड इंजन में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. तो उसे आइडल पे थोड़ी देर 5-7-10 मिनट चलने दीजिए. अभी जैसे ये कार हमारी काफ़ी देर चल चुकी है तो इंजन ऑयल डिपस्टिक बाहर निकाल लें, उसके बाद डिपस्टिक में से आप जैसे चेक करेंगे कई बार ऑयल के छींटे और थोड़ा सा धुआं आइडल पे आता है, मतलब अपनी कांस्टेंट रेस पे आता है. कुछ गाड़ियों में ये नॉर्मल है, अगर मैं बात करूँ यूरोपियन व्हीकल्स की, फॉक्स वैगन, स्कॉडा और क्या नाम लेते हैं, बीएमडब्ल्यू और ऑडी, जर्मन नहीं है, यूरोपियन व्हीकल्स में ये चीज़ नॉर्मल है, विच इज़ कॉल्ड परमिसेबल ब्लो बाय. अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वो इंजन ख़राब है. ओके, ये चीज़ नॉर्मली होती है उनमें. आपने डिपस्टिक निकाला, आइडल पे वो इंजन सिगार पी रहा है, इट विल स्मोक इट आउट. ऑयल के एक दो छींटे साथ में आ जाते हैं स्मोक के, बट अगर एक्सेलरेशन देने पे वो स्मोक बढ़ रहा है, साथ में तेल के छींटे भी बढ़ रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड बैक कंप्रेशन, जिसमें आपका इंजन वीक हो गया है. दूसरी चीज़ जो हम इंजन में वेरीफाई कर सकते हैं, अननेसेसरी साउंड्स, बिन अनचाही आवाज़ें जिनको हम बोलते हैं, वो आप वेरीफाई कर सकते हो इंजेक्टर्स की. ओके, टाइमिंग की. ओके, टाइमिंग बेल्ट की, टाइमिंग साइड से
टाइमिंग बेल्ट की नहीं, क्योंकि हर गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट होती नहीं है, किसी में चेन आती है, किसी में बेल्ट आती है, तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है हर इंजन के लिए. बट यूजुअली टाइमिंग साइड नॉइस हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अब कार में बैठेंगे, मैं अभी अंदर जाता हूँ और इंजन को एक्सेलरेट. तो ये इंजन सही था, ये इंजन ओके है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी सलाह रहेगी, किसी भी इंजन को, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल, 2500 से ज़्यादा खड़ी गाड़ी में रेस ना दें. ओके. इंजन ओवर रेस हो सकता है, अगर वो इंजन वीक हुआ या रिपेयर्ड हुआ, उसमें उस सिचुएशन में गाड़ी तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि वो इंजन दोबारा रीसीज नहीं हो जाएगा, इंजन ऑयल ख़त्म नहीं होगा इंजन में. अच्छा. दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ओवर रेस. हमारी वीडियो कई ऐसे ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स भी देखेंगे, तो इसलिए ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि 2500 से ज़्यादा रेस ना दें. अगर 2500 से नीचे भी इंजन में ढेर सारी एब्रस्ट या उल्टी सीधी आवाज़ें आ रही हैं, तो दोबारा रेस ना दें. ओके. वो इंजन स्टॉल कर सकता है, सीज हो सकता है. ओके. तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ चेक करने गए हैं गाड़ी और गाड़ी पल्ले पड़ गई है. तो उस चीज़ को बचाने के लिए इंजन को रेस देना बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है, बट इस चीज़ को वेरीफाई करना भी उतना ही क्रिटिकल है. तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है. हाँ. आपको एक्सेलरेटर पेडल पे अपना पैर सेट करना है और उसे 2.5 से नीचे रेव करना है. कॉन्स्टेंटली रखना है, आपने बार बार रेस ऊपर नीचे नहीं करनी, कॉन्स्टेंट रखना है. जैसे अगर 2000 RPM पे चेक कर रहे हैं, तो रन इट फॉर 10 to 15 seconds ऑन 2000 RPM. 2000 RPM पे 10 से 15 सेकेंड के लिए उसे कॉन्स्टेंट रेव करके रखें. तो अभी आवाज़ क्या देखा आपने? आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल है. एक छोटी सी एडजस्टर बेरिंग की है, दैट इज़ प्रिटी नॉर्मल. 70-72 हज़ार में इतनी आवाज़ होनी चाहिए, इससे कम हो तो भी डाउट जाता है कि रिपेयर हुआ होगा. अच्छा. ओके ओके ओके. तो इतना बहुत नॉर्मल है. हाँ. इतना होना चाहिए. okay. अब इंजेक्टर्स की आवाज़ की अगर मैं बात करूँ, इंजेक्टर इंजन ऑफ कर दे क्या? हाँ, इंजन हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आजकल फ्यूल प्राइजेस बहुत नहीं, फ्यूल प्राइजेस से ज़्यादा ना वीडियो में इंजन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी. नहीं, मैं फ्यूल प्राइजेस से ज़्यादा कंसर्न हूँ. अच्छा. क्योंकि हमारे लिए तो ये बैले म्यूजिक है. अच्छा. तो लेट्स से सपोज अगर हम कहाँ थे, फ्यूल प्राइसेस के बाद हम थे, हम कहाँ थे हम भी हो गए. तो हम थे कुछ, तो हम इंजेक्टर की आवाज़ की बात, इंजेक्टर की आवाज़ पे. अगर इंजेक्टर की आवाज़ यूजुअली 3 से 4 चीज़ों की वजह से बढ़ती है या ज़्यादा आती है, कंटामिनेटेड फ्यूल, रफ राइडिंग ऑफ डीजल व्हीकल. इंजेक्टर की आवाज़ सिर्फ डीजल गाड़ी में आएगी, पेट्रोल में बिल्कुल नहीं आएगी. ओके. क्योंकि मेटालिक इंजेक्टर्स और वर्किंग इंजेक्टर्स इसी में होते हैं, पेट्रोल में यूजुअली सोलेनॉइड इंजेक्टर्स होते हैं, तो सोलेनॉइड प्लास्टिक बेस्ड बॉडी पे होता है, उसके अंदर आवाज़ नहीं आती है. ओके. तो या तो वो काम छोड़ जाएगा या हम कार मैसिंग कर रही होगी, बस ये चीज़ होती है, वो आवाज़ नहीं करता है. ओके. तो डीजल में रफ यूजेज की वजह से आती है, कंटामिनेटेड फ्यूल की वजह से आएगी. फ्यूल कंटामिनेशन ज़रूरी नहीं आपके फ्यूल में कुछ मिला हो. हाँ. अगर आपका डीजल फिल्टर टाइम पे चेंज नहीं है तो भी वो कंटामिनेटेड ही जाएगा. ओके ओके. तो सर्विसिंग सही से नहीं हुई, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई गाड़ी, बिल्कुल उस सिनेरियो में ये चीज़ आती है. उसके अलावा अगर रिपेयर्ड है तो भी इंजेक्टर का साउंड हेवी हो जाएगा. ओके ओके. तो ये सारी चीज़ें हम इंजन में चेक कर सकते हैं. मेरे गाड़ी में ना एक बॉडी पार्ट पेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बट मुझे दिखाओ कि वो कैसे हम पता कर सकते हैं. बाकी कोई पेंट नहीं है. एक ना साइड में ये वाला पैनल उस साइड का, क्योंकि एक जगह गाड़ी पीछे लगी थी तो सर्विसिंग में गई थी, मैंने कहा पेंट ही कर दे यार, गंदी लगती है. तो अभी कैसे, ये वाला पैनल है जो पेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला साइन. अच्छा, ये पेंट लगा हुआ है. पेंट लगा हुआ है. हाँ. ये पेंट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जिस पेंटर ने ये कार पेंट की होगी वो या तो उसके पास काम बहुत ज़्यादा होगा. हाँ. या वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसने साफ करने की जद्दोजहद या तवज्जो नहीं दिखाई. अच्छा. दूसरी चीज़ ये चीज़, ये अगेन पेंट मार्क इस तरफ से. अच्छा, यहाँ पे. ओके, ये खोल लेते हैं ना, ये पेंट मार्क. बिल्कुल. ओके, ये पेंट है.
तो ये वाला पार्ट दिस थिंग हैपेंस, ये होता तब है जब हम मास्किंग प्रॉपर नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग सर्विस सेंटर लेके जाते हैं कि वो लोग प्रॉपरली पेंट करेंगे, पेंट का पता नहीं चलता, बट वो भी कोताही बरत जाते हैं अपने काम में, बेसिकली अपनी जिम्मेदारी समझ के कोई भी काम नहीं करता। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं इज़ फ्रॉम हेयर, ये छोटे छोटे, विकास भाई पानी पड़ा है? हाँ हाँ पानी हाँ। दो, पानी और कपड़ा दो। ये सैनिटाइजर चलेगा क्या? हाँ हाँ दौड़ेगा ना। क्योंकि ये ना थोड़ी सी डस्ट लगी हुई है हाँ। वो कपड़ा मारने वाला तो निकल लिया, कपड़ा भी होना चाहिए, टिश्यू होना चाहिए मेरी गाड़ी में। हाँ ये कपड़ा है, दौड़ेगा। सो अगर हम यहाँ देखें छोटे 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 दाने हैं। ओके हाँ ये कैमरे में शायद उतना आंखों से नजर आ रहे हैं। दीज आर इम्प्योरिटीज जो कि रीपेंट में रह जाती हैं। जब हम पेंट बूथ में भी अगर हम इसे पेंट कराएं तो इतनी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है, क्योंकि पेंट की जो मिक्सिंग है दैट इज़ डन आउट ऑफ द पेंट बूथ, कायदे से वो भी एयरटाइट चेंबर में होनी चाहिए, बट वो इम्प्योरिटीज़ इसी वजह से आती हैं क्योंकि वो नॉन एयरटाइट चेंबर में पेंट की मिक्सिंग होती है। और प्लस ये थोड़ा सा देखने में भी थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है। तीसरी चीज़ आपके यहाँ पे नीचे का डाउन कोट नज़र आ रहा है। ओके हाँ ये वाला पार्ट तो ये तो बड़ा माइन्यूटली देखना, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। देखो ये देख के ना पता चल सकता है ये इस पे वाइट वाइट है, बाकी कहीं किसी भी जगह पे नहीं है, तो ये यहाँ तक है। देखो यहाँ पे एकदम क्लियर है, ये वाला एकदम क्लियर डिफरेंस यहीं पे पता लग रहा है, पता लग रहा है ना हाँ कि ये वाला पार्ट पेंटेड है। बिल्कुल। उसके अलावा चौथा होता है कोटिंग थिकनेस टेस्ट, उसके लिए एक इक्विपमेंट आता है मशीन, हाँ वो बता देती है कितनी बिल्कुल थिकनेस थिकनेस इस कोटिंग के ऊपर कितनी बार कोटिंग हो चुकी है, बिकॉज उसका रेफरेंस हम लोग छत से लेते हैं, बट वो मीटर बहुत कॉस्टली है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि लेमैन वो खरीदे कि आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, 10,000 से 18,000 के बीच में है उसका कॉस्टिंग, तो आप एक कार लेने के लिए 18,000 रुपये स्पेंड करें। हाँ अगर आप ऑटो एंथूसियास्ट हैं और आपको इस चीज़ का शौक है तो आप वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट आता है ओडोमीटर चेक करने का, हाँ मैं भूल गया था सॉरी। हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ओडोमीटर टैम्परिंग होती है। मैं बहुत एकदम से मुझे याद आया कि मैं वो चीज़ भूल गया, टायर्स। अच्छा अगर किसी कार में आपको कोई ऐसी वो नहीं मिल रहा साइन के ओडोमीटर टैम्पर्ड है या नहीं, तो टायर्स वो कहानी टायर्स से पता लग जाएगी। अगर मैंने लेट्स से सपोज 1 लाख चली गाड़ी ली और विकास भाई मेरे पास कार लेने आए और मैंने मीटर करा रखा है 50,000 तो कार के टायर्स बता देंगे। हाँ, एक एक्सयूवी जो है वो यूजुअली 60,000 से 65,000 पे टायर वेयर आउट होते हैं, तो अगर मैंने 50,000 मीटर कराया इसका मतलब वो कार के टायर 10 से 15% होंगे सर। हाँ बिल्कुल। अब अगर टायर्स की परसेंटेज इज मोर देन 10 to 15% तो भी डाउट जाता है। उसके अलावा टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर। ओके ये रहा, आपने 2019 में टायर डलवाए हैं। हाँ 2019 में डलवाए हैं। अच्छा तो ये पता चल जाएगा टायर्स कब चेंज हुए हैं। बिल्कुल, तो उससे पता चल जाएगा गाड़ी कब ली, टायर्स कब चेंज हुए। नॉर्मली तो ऐसे तो कोई टायर्स चेंज कराएगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अलॉय व्हील्स डलवाए तो साथ ही में टायर चेंज करवा दिए, बट वो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। बहुत लोग बहुत रेयर नॉर्मल टायर हटा के ऑल टेरेन डलवा लिया। बिल्कुल, और बहुत रेयर केसेस भी होते हैं और ऐसे लोग जल्दी कार भी नहीं बेचते अपने। जिस आदमी ने फॉर्चुनर ली और उसके अंदर 25 इंच या 26 इंच का मैसिव लो प्रोफाइल अलॉय डलवा दिया वो पहले साल में गाड़ी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसके अलॉय व्हील का सेट ही 1 से 1.5 लाख रुपए का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे एंड से जो मैं शेयर करना चाहता था और विकास भाई ने मौका दिया आप लोगों के साथ शेयर करने का। आपने मौका दिया, आपने टाइम दिया। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप बताओ कि एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बताया ना अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जो मैं जब गया था, तो सो थैंक यू सो मच नमित भाई। मतलब आई थिंक इट वाज डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था, एंड इतना अगर किसी ने कर लिया ना तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। उस डीलर को मतलब दोबारा किसी कस्टमर को ठगते हुए ना शर्म आएगी अगर आपने इतनी चीज़ें वेरीफाई कर ली। हाँ। और इतनी चीज़ें चेक कर ली, एंड आई वुड बी सो प्राउड ऑफ दैट पर्सन। मैं बहुत मान से कह सकूंगा कि हाँ मेरी वजह से। हाँ। किसी के पैसे बच गए। सीरियसली सीरियसली सीरियसली
तो ठीक है भाई, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन हियर. तो अभी हम नमित भाई को वापस से छोड़ेंगे. इट्स ऑलरेडी 5 o'clock. आधा घंटा से ऊपर नमित भाई ने टाइम दिया, मतलब सारी चीज़ डिटेल में बताई. तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना. चलो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली अगर किसी को सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है ना, तो वो कभी धोखा नहीं खा सकता भाई. अब मैं तो डेफिनेटली नहीं खा सकता, मतलब मुझे इतनी नॉलेज मिल गई है भैया से. तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच नमित भैया, मतलब बहुत ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से बताया. आई होप कि बहुत सारे लोगों को ना बेनिफिट करे और उनके पैसे बच जाएँ. बिल्कुल, ये चीज़ ज़रूरी भी बहुत थी. हाँ. क्योंकि यूज्ड कार का बिजनेस इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है. दूसरी चीज़, लोग सामने वाले की कम नॉलेज का इतना गलत फायदा उठाते अपने स्वार्थ के लिए. हाँ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. करेक्ट. फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अगर किसी भी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप उसे ठग रहे हैं. हाँ, 420 है वो तो, और यहाँ तो फुल 420, मतलब ऐसा ना जबरदस्त. अरे भाई साहब, मैं तो आपका वो डायलॉग था ना कि जीप पे चाशनी लगा के बैठते हैं. बिल्कुल, मैंने एग्जैक्टली वही बोला था कि जीप पे चाशनी लगा के बैठते हैं. बिल्कुल. हाँ. तो ये सबसे बड़ा इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है. अच्छा. मैं उस टाइम स्टूडेंट होता था 10th 11th में, तो मैं अपने फादर के साथ गाड़ी लेने गया, एंड दैट टू इन विकासपुरी. अच्छा, विकासपुरी. आप भी विकासपुरी में गए? तो मैं उस डीलर का नाम नहीं लूंगा. मैंने भी किसी डीलर का नाम नहीं, बट इट कैन हैपन एनीवेयर इन अक्रॉस इंडिया. तो मेरे फादर तो सीधे साधे अपना नॉर्मल लेमैन थे, उनका गाड़ी से कोई इतना वास्ता नहीं था. मेरी फैमिली में हालांकि 3 और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं. तो एट दैट पॉइंट मेरे फादर ने बोला, तुझे पसंद है? एक 10वीं 11वीं के बच्चे को कॉस्मेटिकली गाड़ी समझ आ गई, तो समझ आ गई बस. हाँ पापा, पसंद है, डन कर दी. 3 दिन बाद We were in that market again, के गाड़ी बेचनी है. के मेरे मैकेनिक ने बोल दिया था कि नीचे से पूरी गाड़ी रस्टेड है. हाँ. आप मत लो, इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, चलते चलते कोई भी एक्सल टूट सकता. ओ, अब नीचे कौन ही चेक करता है? अंडरबॉडी. हाँ, बिल्कुल. तो वो चीज़ वहाँ आ गई. मेरे फादर ने 3 दिन बाद वो गाड़ी 20,000 लॉस पे सेम उसी डीलर को बेच दी. डीलर भी खुश कि भाई 3 दिन के लिए 20,000 रुपए मिल गए. तो और उस समय 20,000 रुपए बहुत होते हैं. उसके बाद 2 दिन बाद वी वर इन मारुति शोरूम, वी बॉट अ न्यू कार. हाँ. और उसके 2 साल बाद मैं अपने फादर को बोल रहा था, पापा हम ना दोनों जगह कट गए, नई लेके भी इतना डेप्रिसिएशन झेल लिया और पुरानी में भी 20,000 रुपए ठग गए. तो चलो फिर अभी चलते हैं हमारी बातें.